किस तरह आजादी के बाद देश के विकास की दिशा कैसी हो, इस विषय से हम भटक गए थे। इस भटकाव के कारण मन में अपने ही कामकाज के प्रति तिरस्कार और पश्चिम के धंधों के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो गया था। पश्चिम के ज्ञान विज्ञान के साथ ही पश्चिमी देशों के रहन सहन, बोलचाल, खान पान की रीतियां भी इस देश में आईं। समाज के हर क्षेत्र पर उसका असर पड़ा तो विकास के मॉडल पर पश्चिमी रंग चढ़ गया। दीनदयाल जी ने कहा कि जिस पश्चिम के विचारों, नीतियों और व्यवस्थाओं के आधार पर हम देश और समाज को चला रहे हैं, वे तो परिस्थिति विशेष और प्रकृति विशेष में से उपजे हैं। भारत की परिस्थिति अलग है, भारत की जलवायु अलग है, भारत के संसाधन अलग है, भारत की संस्कृति अलग है। पश्चिमी विचार को भारत पर कैसे ला सकते हैं? हम किस ओर चलें? राष्ट्र के सामने ये प्रश्न था। उस समय का शासन इस महत्वपूर्ण प्रश्न से बेखबर था। वो अंग्रेजों द्वारा स्थापित केंद्रीकृत व्यवस्थाओं को संभालने में ही इतना उलझा हुआ था कि वो भारत की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के मर्म को ही भूल गया। 3 दशकों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब पश्चिमी विचारों का प्रभाव जब बढ़ा, तब इन बातों को सोचने वाले विचारकों के अंदर भी बनते गए, नहीं भौतिक सुख में आनंद है, लेकिन मूलभूत चिंतन करने वाले गत शताब्दी के, हम अगर स्वामी विवेकानंद का सोचे, हम लोकमान्य तिलक के बारे में सोचे, उन्होंने अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, इन 3 शब्दों का वर्णन किया है। मैं समझता हूँ कि वो एकात्म मानव दर्शन का ही एक अर्थ से, जो दीनदयाल जी ने उसको व्यक्ति पर परमेष्टि के साथ जोड़कर करने की बात कही। लेकिन दीनदयाल जी के सार्वजनिक काल के प्रारंभिक दिनों से ही उनके अनन्य सहयोगी रहे नानाजी देशमुख ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। राजनैतिक जीवन से संन्यास लेकर नानाजी ने खुद को देश के विकास का ऐसा मॉडल खड़ा करने में झोंक दिया जिसकी कल्पना दीनदयाल जी ने की थी, जिसमें समाज अपने दम पर विकास के नए प्रतिमान खड़े कर सके, सरकार का पिछलग्गू बनकर नहीं। दीनदयाल शोध संस्थान ने महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। ईश्वर कृपा से इन प्रयासों को व्यावहारिक धरातल पर सफलता मिल रही है। नाना जी ने दीनदयाल शोध संस्थान के लिए 5 दिशा सूत्र तय किए। उनका एक मुख्य उद्देश्य था ग्रामों के समग्र विकास का ऐसा मॉडल खड़ा करना जो इन सभी सूत्रों को एक माला में पिरोता हो। दीनदयाल जी भी कहते थे कि समग्र विकास को आस्था का विषय बनाना होगा। भारत के अंदर समग्रता से विचार रखना चाहिए, ऐसे विचार दीनदयाल उपाध्याय ने रखा, और सभी जगह पर आवश्यक है संतुलित विकास की, तो इन सबको समग्रता से सोचने का विचार यानी एक मार्गदर्शन, और उसका इम्पैक्ट भारत में किस तरह हुआ है, भारत के रणनीति पर उसका पड़ा हुआ है क्या, तो ऐसे कॉलेज होंगे राज्य में उनकी इस नाम से विकास की बड़ी होगी, परंतु आस्था का विषय बनना बाकी है। एकात्म मानव दर्शन का एक अन्य विशेष सूत्र था अपने विकास मॉडल का वर्तमान के साथ मेल। नाना जी ने इसका पूरा ध्यान रखा। उन्होंने आधुनिक विज्ञान से कभी परहेज नहीं किया। गोंडा के सफल प्रयोग के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के बीड में ये मॉडल खड़ा किया और फिर वनवासी राम की कर्मभूमि चित्रकूट को अपनी प्रयोग भूमि बनाया। खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, खेतों में फिर नाचेगी फसलों की नई जवानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के
विचार एकात्म मानव दर्शन को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की, और स्थापना के मूल उद्देश्य में अंत्योदय की बात थी कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाना। संस्थान को स्थापित हुए लगभग 47 वर्ष हो गए हैं। श्रद्धेय नानाजी के विजनरी तथा इनोवेटिव नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में संस्थान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन को व्यावहारिक धरातल पर उतारने में बहुत से सोपान चढ़े और मील के पत्थर पार किए। नानाजी ने विशुद्ध भारतीय चिंतन के आधार पर गांवों में ऐसी रचना खड़ी की जो बहुत से लोगों को चौंकाने वाली है। और जो भी प्रयोग हो वो सामान्य व्यक्ति के लिए अनुकरणीय, इस बात पर नानाजी का बहुत जोर रहता था कि बड़े बड़े प्रयोग कर लिए जाएं, जैसे प्रयोगशाला में या कहीं पर हो जाएं, लेकिन अगर उसका अनुकरण नहीं हो सकता तो फिर नानाजी कहते थे कि ये सामान्य व्यक्ति या गांव के लिए उपयोगी नहीं है। दीनदयाल शोध संस्थान की गतिविधियों के मुख्य केंद्र हैं राम दर्शन, आरोग्य धाम, उद्यमिता विद्यापीठ, विभिन्न विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, जन शिक्षण संस्थान। राम दर्शन नानाजी की कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना है और लोगों को वनवासी राम से अधिक कर्मशील राम से साक्षात्कार कराता है। ये भगवान राम के आध्यात्मिक रूप को नहीं बल्कि राजा राम के रूप में समाज से उनके संबंधों के खूबसूरत दर्शन कराता है। आसपास के लाखों लोगों के लिए ये प्रेरणा का केंद्र बन गया है। स्वावलंबन अभियान में विवाद मुक्त गांव, इस दृष्टि से नाना जी ने राम दर्शन प्रकल्प को जोड़ा। राम के जीवन से प्रेरणा लेकर के सामान्य जीवन में जो छोटी छोटी उठापटक होती है उसके कारण से जो विवाद खड़े होते हैं, तो राम जी के जीवन को हम बता करके और उस विवाद का वहीं पर स्थानीय स्तर पर ही उसको सुलह कर सकें, इसके लिए राम दर्शन के कार्यकर्ताओं ने वहां पर गांव स्तर पर प्रवास भी किया और बहुत सारे स्तरों पर सफलताएं भी मिली। नाना जी ने ये मॉडल विकसित करते हुए एकात्म मानव दर्शन की एक बात बार बार याद दिलाई, देशानुकूलता व युगानुकूलता। उन्होंने समाज के पारंपरिक ज्ञान का भी भरपूर उपयोग किया और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में भी कोई परहेज नहीं किया। दांतों की चिकित्सा पहले शहरों की बपौती हुआ करती थी, लेकिन ये नाना जी की आधुनिक सोच का ही परिणाम है कि आज चित्रकूट के आसपास के गांवों में दंत चिकित्सा ही नहीं प्लास्टिक सर्जरी भी गांव वासियों के लिए उपलब्ध हो गई है। इसमें ऐसे पेशेंट जो जिनके कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, ओरोफेशियल डिफॉर्मिटी होती है, क्लेफ्ट लिप पैलेट्स, बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स, इस तरीके के ऑपरेशन किए जाते हैं और इसमें एक बहुत बड़ी करीब 14 या 15 सदस्यीय टीम इंग्लैंड से आती है जिसमें प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, रिकवरी नर्स होती है, ओटी नर्स होती है, ओटी टेक्नीशियन होते हैं, एनेस्थेटिक्स होते हैं। जड़ों के साथ जैविक संबंध भौतिक संपत्ति के माध्यम से तो हो नहीं सकते, इसके केंद्र में होता है मानव। इसके लिए नाना जी ने विकसित की समाज शिल्पी दंपति की परिकल्पना। नवविवाहित स्नातक दंपति अपने जीवन को समाज सेवा में लगाने का संकल्प लें, परिवारों के बीच जाना, उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं की चर्चा करना। एक बार जब स्नेह के प्रेम के संबंध बन गए तो फिर उनसे किसी भी बात को अगर आप कहेंगे तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव वालों को पता भी नहीं चला छुआछूत, जाति भेद, खान पान, मंदिर, इस सब में धीरे धीरे काम करते 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 इतना परिवर्तन आया जो तथाकथित सवर्ण वर्ग के या प्रभावी व्यक्ति गांव के थे, 2-4-5 साल काम करते करते वो खुद कहते थे कि पता नहीं ये नाना जी ने ये दंपत्ति कहाँ से देवदूत या का बना करके भेजे हैं। उन सब के माध्यम से उन्होंने कहा कि कब परिवर्तन आया हमको ही पता नहीं है। दीनदयाल शोध संस्थान ही नहीं, देश के बहुत से हिस्सों में ऐसे अन्य मॉडल भी खड़े हुए जो एकात्म मानव दर्शन की व्यावहारिकता को रेखांकित करते हैं, उसकी समग्रता के जीते जागते नमूने हैं। लेकिन समग्रता में विश्वास रखने वाला भारतीय चिंतन
अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को अलग करके नहीं देखता। उसके लिए डिमांड एंड सप्लाई का नियम कोई मायने नहीं रखता। राजस्थान में सबसे ज्यादा डिमांड पानी की है, क्योंकि रेगिस्तान है वहां पर, और सबसे कम सप्लाई पानी की है। पर वहां के व्यापारी ने क्या सोचा? वो यदि सोचते कि चलो अपने घर में कुआं खोदो और पानी तोल तोल के बेचो, अब मालदार बन जाओ, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उल्टा सोचा। उन्होंने कहा पानी ये समाज की बेसिक नीड है और इसलिए हम इसका व्यापार नहीं करेंगे, उल्टा इस पर खर्च करेंगे। तो अपने मुनाफे में से उन्होंने कुएं, बावड़ी, तालाब, प्याऊ आदि लगवाए। यह जो सोच है, जिस सोच के कारण से पानी का व्यापार नहीं किया और पानी समाज को उपलब्ध रहे इसकी चिंता की, इसमें जो ह्यूमैनिटी है, इसमें जो एक डिविनिटी है, उसमें इसमें जो एक संवेदनशीलता है, इसको मारकर व्यवस्थाएं तो कर सकते हैं, मानव को सुखी नहीं कर सकते।